रुड़की के कलियर में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान इमलीखेड़ा पुलिस ने एक आरोपी को डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एक ढाबे पर ट्रक चालकों को नशीला सामान बेचता था। घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 15 अगस्त की रात को दरोगा कुंवर राम आर्य पुलिस बल के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर द्वारा उन्हें सूचना दी गई थी कि हकीमपुर तुर्रा के पास इमलीखेड़ा भगवानपुर रोड स्थित काका पंजाबी ढाबे पर एक व्यक्ति ट्रक चालकों को डोडा पाउडर बेच रहा है। सूचना मिलते ही ढाबे पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को मौके पर गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना नाम सतीश कुमार सैनी बताया। आरोपी के पास से एक काला बैग मिला है जिसमें डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि उसका भाई योगेश इस काम को करता है और वह उसी के कहने पर यह काम कर रहा था। पुलिस योगेश की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। इमलीखेड़ा भगवान रोड पर एक पंजाबी ढाबा था जो कि नशे का व्यापार करता था। बहुत दिनों से इसकी सूचना थाने को थी, गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। कल इसे 6.5 किलो डोडे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया जिसमें ये ट्रक वालों को डोडा बेचने का प्रयास कर रहा था। इसके साथ एक और व्यक्ति, इसका भाई है योगेश, वो फरार हो गया। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।